लास्ट बार आपको ये एक जो सेटअप है वो आपको देखने मिल रही है। 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हमारे गेमिंग वीडियो पर। करेंगे कि यार तुम क्या ब्लॉग बनाते हो, क्या बनाते हो। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट बार आपको ये एक जो सेटअप है वो आपको देखने मिल रही है वाला, क्योंकि अभी मैं निकल रहा हूँ थोड़े टाइम में, घंटे भर में, घंटा भर भी नहीं एक्चुअली, अभी नहीं आधे घंटे के आसपास में, 30 मिनट्स में निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरी है 7:20 की, सॉरी 6:50 की ट्रेन है साबरमती स्टेशन से, तो वहाँ से ट्रेन लेनी है। तो ऑलमोस्ट मेरी सारी पैकिंग हो गई है, आईपैड वगैरह सब कुछ रख लिया है। एक्चुअली मेरे को चार्ज करने का था मेरा ईयरफोन, अभी ईयरफोन आँख के सामने दिखा रहा तभी आता है कि ईयरफोन भी चार्ज करने का था। आईपैड में फुल चार्जिंग है, फ़ोन को लगा दिया था चार्जिंग पे, ईयरफोन में थोड़ा सा चार्जिंग है, ईयरफोन को लगा देंगे चार्जिंग पे, 2-5 मिनट जो भी ऊपर नीचे चार्ज हो जाएगा हो जाएगा। एंड बाकी पूरी पैकिंग वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया है। एंड ओली भी थोड़ा सा उठ गई थी बट अभी फिर से सो गई है, नहीं तो वो उठेगी ना तो फिर सब लोग जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार उसको। आज थोड़ा सा आज बहुत परेशान होगी बच्चे बहुत, क्योंकि इसकी बुआ भी जा रहे हैं, मामा भी जा रहे हैं, नानी भी जा रही है, सब जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको ऐसा होगा कि सब किधर चले गए, इतने सारे लोग थे खिलाने वाले, सारे कहाँ चले गए, तो ऐसा। तो वो चीज़ें अभी थोड़े टाइम में निकलेंगे गाइस, एंड लास्ट बार ही देख लो ये सेटअप हमारा, इसके बाद आपको ना जाने कब देखने मिलेगा ये सेटअप साल भर में, तो जो भी है। तो निकलते थोड़े टाइम में, दम से बाद मिलते हैं आपसे रास्ते में, चलो। जैसे घर पहुँचा हूँ एंड इतना रश था बाहर कि मैं तकरीबन मैं कुछ 7 बजे नहीं 6:30 बजे मैं बोरीवली स्टेशन पहुँचा था, एंड अभी तकरीबन 8 बज गए, अभी मैं घर पहुँचा हूँ 8 बजे, मतलब 2 घंटा ट्रैवल मेरे को यहीं हो गया। तो खैर कोई नहीं, अभी आ गए हैं घर पे, एंड थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा है मुंबई आके, पता नहीं क्यों, ऐसा कभी नहीं होता, मतलब सर मुझे इतना कभी अजीब नहीं लगता, मैं मुंबई आता हूँ तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि अरे यार अच्छा होगा मुंबई आ गए, बट इस बार ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या सीन है उसका, क्या पता। अभी मैं मिलता हूँ रिटर्न आपसे, पहले चाय नाश्ता वगैरह कर लूँ, फ्रेश रहूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे, एंड उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या है क्या। आज का ब्लॉग तो बना ही नहीं रहेगा, मैं वहाँ से निकला उसके बाद ट्रेन में बैठा, एंड ट्रेन में शूट कर पाया नहीं, उसका भी रीज़न मैं बताऊँगा आपको, एंड फिर उसके बाद लोकल मेट्रो ये वो सब मैं आपके मिलता हूँ, बताता हूँ, पहले अभी जाके फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। चलो ओके सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 12:30 एंड मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, एंड व्लॉग इतना बना नहीं है आज, तो ये मेरे व्लॉग में पहली बार हो रहा रहेगा जो एक व्लॉग 2 दिन में कंटिन्यू, मतलब एक व्लॉग दो दिन में बनेगा, तो आज का भी दिन और कल का भी दिन, आज का और कल का दोनों का इंक्लूडेड मैं ये इस व्लॉग में डालूंगा, क्योंकि आज के व्लॉग में तो कुछ बना ही नहीं। लाइक एग्जाम्पल आज पूरा दिन ट्रैवल में चले गए, मैं सुबह छः बजे से जो ट्रैवलिंग के लिए निकला हूँ, मैं सीधा शाम को 8 बजे घर आया हूँ। एक्चुअली जब अहमदाबाद से निकला था मैं तब 6 बजे निकला था, मैं आपको स्टोरी ऐसा समझा देता हूँ वर्बली, तो पूरे दिन में क्या क्या हुआ वो समझा देता हूँ वर्बली, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे में ख़त्म करेंगे। तो अहमदाबाद से निकला था मैं सुबह छः बजे निकला था साबरमती स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए, 6:45 की ट्रेन थी, 6:50 की, और लेट होके 7:03 पर ही, देन उसके बाद मैं ट्रेन वगैरह में चढ़ा, देन उसके बाद एक्सपेक्टेड था कुछ और सीट एंड मिल गया कुछ और सीट, एक्सपेक्टेड था वो विंडो वाली सीट नहीं आती यहाँ बैठो और ऊपर बैठो या नॉर्मल वाली, यहाँ तो 6 जन की होती है जो यहाँ पे अपर वो होती ना अपर नीचे, मेरा एक्सपेक्टेड था कि वो सीट है मेरी, बट मेरे को मिल गया अपर इस साइड का, एंड अपर में मेरा क्या दिक्कत होता ना कि मैं आ नहीं पाता हूँ अपर में, मेरी खोपड़ी नहीं आ पाती, एंड जब मैं सोता हूँ ना तो मेरा टांग उसके बाहर जाता है सीट के बाहर,
तो वो प्रॉब्लम होता है अपर में, तो अब वो चीज़ हो गया। एंड दूसरी चीज़ कि इस ट्रेन में मैं आज से पहले कभी भी नहीं आया था, तो ये ट्रेन का मैं कुछ भी आता पता नहीं था। तो ये ट्रेन में अमूमन मैं इससे ही ट्रैवल करता था, एसी वाले से, पहली बार इसमें आया इस वाले में, क्योंकि टिकट ही नहीं था ना, ट्रेन का टिकट ही नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट हमें यही वाला लेना पड़ा टिकट। मैं तो अपर में बैठ गया था एंड देन आसपास काफ़ी सारे लोग थे, ट्रेन का आवाज़ क्योंकि चिक 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 मतलब पूरा ट्रेन का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैं ज़्यादा शूट भी नहीं किया क्योंकि लेडीज़ क्राउड बहुत था वहाँ पे, तो इतना मेरे को पसंद नहीं आया। एंड क्राउड अच्छा भी नहीं था, मतलब थोड़ा सा वो क्राउड था। एंड हर स्टेशन पे कोई तीसरा बंदा चढ़ता है, कोई दो बंदे चढ़ जाते, तीन बंदे चढ़ जाते, बोलते कि हमको बैठने दो, हमको थोड़ा सा जगह दे दो, यहाँ पे थोड़ा सा सीट पे जगह दे दो, अगले स्टेशन पे उतरना है, ये वो, मतलब लोकल वाले बहुत आते, इतने आ गए, इतना लोकल वाले तो मैं क्या बताऊँ। एंड देन उसके बाद भिखारी लोग, कचरा साफ़ करने वाले लोग इतने घुसने लग गए ना अंदर, और मेरा दिमाग पूरा ऐसा ख़राब हुआ ना, मैं सीधा जाके अपर सीट पर बैठा, एंड ऊपर ही था मैं पूरा दिन, ऊपर था मैं पूरा दिन। मैं उसके बाद फ़ोन में चार्जिंग भी कम हो गया था। उसके बाद वहाँ से निकला, बोरीवली उतरा, बोरीवली से सीधा लोकल ट्रेन पकड़ा अंधेरी के लिए, फिर वहाँ से पकड़ा मेट्रो घाटकोपर के लिए, फिर घाटकोपर से ट्रेन पकड़ा, घर पे आया। देन उसके बाद तो आपके सामने ही है जो भी है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, इसके लिए ब्लॉग इतना बन नहीं पाया, जो भी एक आधा ही क्लिप शूट किया रहेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो बस वही, कल कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को। अभी मैंने थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह ख़त्म की, खत्म नहीं हुई एडिटिंग, आधी कंप्लीट कर दी है, आधी कल करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सुबह का उठा हूँ, कल रात को भी मैं लेट सोया था, आपको पता है, कल रात को भी मतलब परसों रात को हम लोग महाकाली मंदिर गए थे, काली माता के मंदिर, दैन उसके बाद लेट आए घर पे, 1-2 बजे सोए थे, एंड देन सुबह 5:30 बजे उठ भी गया था मैं एडिटिंग करने के लिए, वीडियो मतलब ब्लॉग अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं पूरा दिन ट्रेन में जाने वाला है, एंड वहाँ पर डेटा इशू इतना होगा कि अपलोडिंग नहीं होगी वीडियो। तो मैंने वहीं पर अपलोडिंग सब सुबह 5:30 बजे उठ के मैंने सारे काम ख़त्म कर दिए, दैन उसके बाद 6 बजे हम लोग निकल गए थे। तो यही था आज के दिन में, अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ब्लॉग एंड नहीं करते, सीधा अब से मिलते कल सुबह। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जस्ट उठा हूँ मैं, एंड नाश्ता वगैरह हो गया है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी जाना है मुझे शॉप पे, क्योंकि एक डिलीवरी लेके आनी है, तो अभी सीधा शॉप पे जाना पड़ेगा मेरे को। तो एडिटिंग कैसे होगी, क्या होगी, कैसे अपलोड होगा वीडियो, क्या पता, अभी ऐसे ही चलता रहेगा ये सारी चीज़ें। जो सुकून वाला टाइम था वो ख़त्म हो गया, तो अभी ऐसे ही पूरा ऐसा मतलब गच्छर पच्छर चलता रहेगा। तो अभी कैसे हैंडल होगा, क्या होगा, मुझे तो नहीं पता, अभी देखते हैं। अभी मैं बस इतना बोलूँगा कि मैं बस निकल रहा हूँ अभी शॉप के लिए, अभी देखते हैं, अगर मैं जल्दी आ गया घर पे तो एडिटिंग वगैरह हो जाएगी, नहीं तो बताते हैं अभी क्या सीन है। मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा है जाने का, बट ठीक है, फिर भी जाना पड़ेगा। ओके सो गाइस, जस्ट मैं घर आया हूँ काम वाम ख़त्म करके, एंड तकरीबन टाइम हो रहा है 4:30-5 के आसपास। तो एडिटिंग वगैरह भी ख़त्म कर दी मैं घर काफ़ी टाइम से आ गया हूँ एक्चुअली, घर आके एडिटिंग भी ख़त्म कर दी मैंने, एंड अभी थोड़े टाइम में उसको अपलोडिंग पे लगा दूंगा। टाइटल एडिट करना बचा है, टाइटल एडिट करना है, एंड उसके बाद गेमिंग वीडियो भी एडिट करना है। एंड एक और चीज़ गाइज, एक और न्यूज़, बहुत मुझे बहुत पसंद आई वो चीज़, तो आपको भी वो चीज़ पसंद आएगी आई थिंक। तो आपको पता ही है मैंने गेमिंग वीडियो कब से चालू की है, तकरीबन मेरा गेमिंग वीडियो चालू होके 10-15 दिन हुआ रहेगा मेरे हिसाब से, 10-15 दिन, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा, शायद मैं कम बोल रहा, आई डोंट नो। एंड उस पर मैंने 3 ही वीडियो पोस्ट किए, एंड 3 वीडियो पे हमारे 100 सब्सक्राइबर वहाँ पे पूरे हो गए। ओह माय गॉड, 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हमारे गेमिंग वीडियो पे, 10-15 दिन में ही 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हमारे। तो लोग कितना वो मतलब वेट कर रहे थे डेस्परेटली कि हाँ, मेरी बहन बोल रही है ब्लॉग छोड़ के गेमिंग वीडियो चालू कर दे, बट ऐसे नहीं कि मेरे ब्लॉग वाली भी एक फैमिली, मतलब ब्लॉग वाली भी एक भी व्यूअर्स है जिनको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं। मैंने काफ़ी मैंने ये भी सुने रहेंगे कि यार तुम क्या ब्लॉग बनाते हो ये वो ऐसा वाया तैसा, नेगेटिव कमेंट्स, एंड बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी मैंने सुने कि यार आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे रहते हैं, आप अच्छा ब्लॉग्स बनाते हो, करते रहो, कंटिन्यू करो, आगे करते रहो और बनाओ और ये करो और वो करो। तो मैं नेगेटिव कमेंट्स से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, एंड उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं, तो क्योंकि मेरे को पता है अगर मेरे को 8 जन नेगेटिव कमेंट करने वाले, 4 जन पॉजिटिव कमेंट करने वाले तो भी मेरे को बहुत है, क्योंकि वो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, एंड मैं बनाते रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों गेमिंग वीडियो और इस पर दोनों पर प्रॉपर फोकस रहेगा हमारा, वो चीज़। तो अभी ब्लॉग एडिट हो गया है, ब्लॉग एडिट करके इसको अपलोडिंग पे लगाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, नहाएंगे धोएंगे, देन उसके बाद जाएंगे गेमिंग वीडियो बनाएंगे, गेमिंग वीडियो भी आज ही अपलोड कर देंगे। तो
सीन। चलो ओके सो गाइस, अभी एडिटिंग खत्म हुए, 4:30 बजे जो मैं एडिटिंग के लिए बैठा हूँ, एंड अभी एडिटिंग खत्म हुई, टाइम देखो आप 7:30। अभी एडिटिंग खत्म हुई है मेरी गेमिंग वीडियो वाली, तो अभी जाते चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। आँख मेरी एकदम जल रही है, दोनों आँख एकदम जल रही है मेरी, या उसके बाद जाएंगे नीचे थोड़ा सा राउंड वाउंड मार के आएंगे। अकेले जाऊंगा, आज कोई आएगा तो आएगा ठीक है, नहीं तो अकेले जाऊंगा नीचे कहीं राउंड मार के आऊँगा गार्डन वार्डन में, फिर उसके बाद बताते हैं आगे का सिस्टम क्या है। उसके बाद अभी लग रहा है धूप, तो मैं सोच रहा हूँ मैगी बना के खाऊँ, क्योंकि खाने का टाइम नहीं है, खाना नहीं खाऊँगा, सोच रहा हूँ मैगी बना के खाऊँ, क्योंकि और कुछ तो दिख नहीं जाएगा, और जब कुछ ना दिखे तो मैगी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैगी बनाते खाते, पहले मैगी बनाते फिर मिलते हैं, बनाना पड़ेगा आलस। आप टोप निकालने जा रहा था मैगी बनाने के लिए, एंड ये हो गया, ये ड्रॉ मैंने ऐसे खोला, ये प्लेट ऐसी जैसी निकली ना, ये ऐसे करके निकल के यहाँ से ये मिलता है, दो यार ये तो आलस आ रहा है ऊपर से, ये सब चीज़ दिमाग से निकल गई। ओके सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, ये पहली बार हो रहा है अब तक जब तक कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, 6-7 महीना हो गया, ये पहली बार हो रहा है कि एक ब्लॉग तीन दिन में एंड ही नहीं हुआ एक ब्लॉग। तो मैं अहमदाबाद में था तभी भी ब्लॉग एंड तभी ब्लॉग स्टार्ट किया था, मुंबई में आया तभी तक चल रहा था, और आज अभी तक वो ब्लॉग चल रहा है, मतलब वो ब्लॉग एंड करना है ऑब्वियसली, मतलब कल टाइम नहीं मिला, कल थोड़ा सा मैं किसी चीज़ में फंस गया था, तो उस वजह से अब मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें होती है ना, वही मैं खाली नहीं बताता हूँ, बाकी तो अगर मेरी पर्सनल चीज़ें भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शेयर कर देना चाहिए तो मैं शेयर कर देता हूँ, कुछ अगर बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है एकदम घर की बात अंदर की, तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत ऑब्वियस है कोई भी नहीं शेयर करेगा राइट, एंड आप लोग को भी इंटरेस्ट नहीं होगा मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें सुनने का, तो वही चीज़ है। तो आई होप ये ब्लॉग बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल ब्लॉग मेरा आज का यही होगा, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा, ब्लॉग अच्छा रहे तो ब्लॉग को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।